अभी आप लोगों ने पढ़ा फ्रिक्शन, ठीक है। और फ्रिक्शन क्या होता है, घर्षण बल होता है जब भी दो बॉडीज़ एक दूसरे के कांटेक्ट में होती हैं और मोशन करती हैं, तो उनके जो कांटेक्ट जो सरफेस होता है उसके पैरेलल एक अपोजिंग फोर्स लगती है जो कि मोशन का विरोध करती है, अपोज करती है, उसको हम क्या कहते हैं, घर्षण, फ्रिक्शन कहते हैं। उससे आपने ये भी देख लिया कि अगर हम किसी बॉडी को हॉरिजॉन्टली डिस्प्लेस कर रहे हैं या इंक्लाइंड प्लेन पर डिस्प्लेस कर रहे हैं और वहाँ पर फ्रिक्शन है, तो आप वर्क को कैसे निकाल सकते हो। इसके बाद आपका आता है एनर्जी, ऊर्जा। ऊर्जा क्या होती है, किसी भी बॉडी के कार्य करने की जो क्षमता होती है उसी को हम क्या कहते हैं, ऊर्जा कहते हैं। कोई भी बॉडी उसकी जो कैपेसिटी होती है वर्क करने की उसको हम क्या कहते हैं, एनर्जी कहते हैं, ठीक है। अब एनर्जी जो है ये क्या है, वर्क करने की एक कैपेसिटी बता रहा है कि कितना वर्क कोई भी बॉडी कर सकती है। तो इसका मतलब हमें इसमें डायरेक्शन की ज़रूरत नहीं है। तो जो एनर्जी है, या आपने पढ़ा भी होगा एनर्जी इज़ अ फॉर्म ऑफ वर्क या वर्क इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, तो एनर्जी जो होती है ये कैसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है, अदिश राशि है। यानी कि इसके लिए हमें दिशा की ज़रूरत नहीं होती है, सिर्फ इसका मान हमें चाहिए होता है। सिर्फ मैग्नीट्यूड की मदद से ही हम इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं, डायरेक्शन की ज़रूरत नहीं होती है, ठीक है। इसकी डायमेंशन क्या होगी, क्योंकि कैपेसिटी है वर्क करने की, तो जो वर्क की डायमेंशन होती है वही किसकी डायमेंशन होती है, एनर्जी की डायमेंशन होती है। यानी कि एम एल स्क्वायर टी माइनस टू, एम एल टू टी माइनस टू हो गई, ठीक है। यूनिट क्या होगी, जो वर्क की यूनिट होती है, जूल्स। एसआई यूनिट क्या हो गई, इसकी जूल हो गई है। और सीजीएस यूनिट इसकी होती है आर्ग। इसके अलावा कुछ प्रैक्टिकल यूनिट्स होती हैं जो अलग अलग फिनोमेनास के लिए यूज़ की जाती है फिजिक्स के, जैसे कि पहली तो यही हो गई, अर्ग हो गई आपकी, ठीक है। जो सीजीएस यूनिट है इसकी, इसको ईआरजी से रिप्रेजेंट किया जाता है जो इसका सिंबल है, और ये इक्वल होता है 10^-7 जूल्स के, ठीक है। दूसरी होती है आपकी कैलोरी, कैलोरी को हम रिप्रेजेंट करते हैं CAL से, और ये इक्वल होती है 4.2 जूल्स के। कैलोरी का मतलब, वन कैलोरी की अगर आप बात कर रहे हो तो वन कैलोरी का मतलब क्या होता है कि अगर एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे, वन एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे अगर आप 1 ग्राम वाटर का टेम्परेचर, 1 ग्राम वाटर का टेम्परेचर 1 डिग्री सेंटीग्रेड से बढ़ाते हैं, यानी कि जो इंक्रीज करते हैं उसका टेम्परेचर, वो कितना है, 1 डिग्री सेंटीग्रेड, तो वहाँ पर जो एनर्जी यूज़ होगी वो किसके बराबर होगी, 1 कैलोरी के बराबर होगी, ठीक है। इसके बाद आती है किलोवाट आर, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं KWH से, और ये इक्वल होती है 3.6×10^6 जूल्स के, ठीक है। ये क्या है, अगर इसको आप एक्सप्लेन करना चाहो, अगर 1 वाट की जो पावर है उसको हम 1 घंटे तक कंज्यूम करते हैं तो वहाँ पर जो एनर्जी का कंजम्पशन होगा उसको हम कहते हैं 1 किलोवाट आर, ठीक है। उसके बाद आपकी आती है इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इलेक्ट्रॉन वोल्ट बेसिकली हम यूज़ करते हैं एटमिक या न्यूक्लियर फिजिक्स, यानी कि ऐसे कंसेप्ट जो एटम से या न्यूक्लियस से रिलेटेड होते हैं, जब हम उनको एक्सप्लेन करते हैं तो यूज़ करते हैं इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसको रिप्रेजेंट करेंगे EV से, और ये इक्वल होता है 1.6×10^-19 जूल्स के बराबर, ठीक है। तो एक एक अगर डिफाइन करना चाहो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट को, तो कैसे कर सकते हो, 1 इलेक्ट्रॉन का पोटेंशियल विभव 1 वोल्ट से बढ़ाने में जितनी एनर्जी आपको देनी पड़ेगी उसी को हम क्या कहेंगे, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी। तो ये हो गई एनर्जी, क्या होती है, कैपेसिटी टू डू वर्क, स्केलर क्वांटिटी है, डायमेंशन हो गई इसकी ML2T-2, और SI यूनिट और CGS यूनिट हो गई इसकी जूल, अर्ग। अलग अलग कंसेप्ट के लिए इसकी हम यूनिट अर्ग भी यूज़ कर सकते हैं, कैलोरी हो सकती है, किलोवाट आर हो सकती है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो सकती है, डिपेंड कर रहा है किस तरह के फिनोमेना को आप वहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं, क्लियर। जब हम मोशन की स्टडी करते हैं तो एनर्जी को हम बेसिकली दो तरह से डिवाइड कर सकते हैं, कैटेगराइज कर सकते हैं। एक होती है आपकी काइनेटिक एनर्जी, गतिज ऊर्जा, और दूसरी होती है आपकी पोटेंशियल एनर्जी, स्थितिज ऊर्जा, ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी क्या होती है कि जब कोई भी बॉडी मोशन में होती है तो उसके मोशन में होने की वजह से जो एनर्जी बॉडी के अंदर आती है
उसी को हम क्या कहते हैं, काइनेटिक एनर्जी। यानी कि अगर मोशन है तो, और मोशन की वजह से कोई एनर्जी है तो उसको हम क्या कहेंगे, काइनेटिक एनर्जी कहेंगे। या कह सकते हैं काइनेटिक एनर्जी किस वजह से होती है, किसी भी बॉडी के मोशन में होने की वजह से होती है। ठीक है, एग्जाम्पल जैसे अगर हम ले बुलेट फायर्ड फ्रॉम गन पियर्स थ्रू अ वुडन ब्लॉक। ठीक है, मान लीजिए कोई वुडन ब्लॉक है और आप उस पर फायरिंग करते हैं गन से, तो जो बुलेट होगी वो उसमें अंदर मूव कर जाएगी, पियर्स कर जाएगी उसको। ठीक है, घुस जाती है वो, किस वजह से, क्योंकि बुलेट में क्या है, काइनेटिक एनर्जी है, और वो तब तक अंदर जाएगी जब तक कि उसकी वेलोसिटी ज़ीरो नहीं हो जाती है। ठीक है, तो वो जो बेसिक उसका रीज़न है वो क्या है, बिकॉज ऑफ द काइनेटिक एनर्जी स्टोर्ड इन दैट बॉडी। ठीक है, उसके बाद आती है विंडमिल। विंडमिल आप लोगों ने देखी होगी, उसमें ब्लेड्स लगे हुए होते हैं। ठीक है, तो जो ब्लेड्स होते हैं, जब विंड मूव करती है, विंड चलती है, तो जो ब्लेड्स होते हैं वो क्या करने लगते हैं, मूव करने लगते हैं। तो वो यानी कि जो ब्लेड्स वहाँ मूव कर रहे हैं वो विंड की काइनेटिक एनर्जी की वजह से कर रहे हैं। इसी तरह से वाटर मिल होती है, जैसे कि हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट्स होते हैं, टर्बाइन लगे होते हैं ना नीचे, जो व्हील होते हैं, ब्लेड्स होते हैं उसमें, जब उसमें पानी ऊंचाई से गिरता है तो वो ब्लेड्स क्या करने लगते हैं, मूव करने लगते हैं। यानी कि वहाँ पे वाटर की जो काइनेटिक एनर्जी है, जो मोशन की वजह से जो काइनेटिक एनर्जी उसमें आ रही है, उसको यूज़ करके आप क्या कर रहे हो, टर्बाइंस को मूव करा रहे हो। ठीक है, या फिर आप कील लेते हो, नेल लेते हो कोई, और उसको किसी वुडन ब्लॉक में या वॉल में अगर लगाते हैं हैमर की हेल्प से, तो जो हैमर की काइनेटिक एनर्जी होती है उसकी हेल्प से आप क्या कर सकते हो, उसको अंदर की तरफ मूव कराते हो। ठीक है, जो नेल होती है वो पियर्स किस हेल्प से करती है, जो भी काइनेटिक एनर्जी आप हैमर की वहाँ पर अप्लाई कर रहे हो। क्लियर, तो ये तो हो गए काइनेटिक एनर्जी किस वजह से होती है, बाय वर्च्यू ऑफ मोशन, मोशन की वजह से होगी, और ये इसके कुछ एग्जाम्पल्स हो गए। अब अगर कोई भी बॉडी मूव कर रही है तो उसमें कितनी काइनेटिक एनर्जी होगी, इसका एक सिंपल सा डेरिवेशन देखते हैं। मान लीजिए ये कोई ब्लॉक है और ये इस सरफेस पे मूव करती है विद द हेल्प ऑफ रिजल्टिंग फोर्स F। इस पे जो रिजल्टिंग फोर्स, जो कुल बल इस पे एक्ट कर रहा है वो कितना है, F, और F किसके बराबर होगा, M इंटू A के बराबर होगा। ठीक है, मान लीजिए किसी एक पर्टिकुलर टाइम में ये कितना डिस्प्लेसमेंट कवर करती है, S डिस्प्लेसमेंट। इनिशियली हमने ये मान लिया ये किस पे थी, रेस्ट में, यानी कि प्रारंभिक जो स्थिति थी वहाँ पर इसका वेग कितना था, ज़ीरो। तो यहाँ पर u इज इक्वल्स टू क्या है, ज़ीरो, जो इनिशियल वेलोसिटी है। ठीक है, मान लीजिए एस डिस्प्लेसमेंट के बाद इसकी वेलोसिटी कितनी हो गई है, v। ठीक है, अब न्यूटन की इक्वेशन ऑफ मोशन क्या कहती है, आपने पढ़ा होगा v स्क्वायर इज माइनस u स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2as, जहाँ पर v क्या होती है, जो भी बॉडी है जिसकी हम मोशन डिस्क्राइब कर रहे हैं उसकी फाइनल वेलोसिटी, u क्या है, इनिशियल वेलोसिटी, और a क्या होता है, एक्सेलरेशन, और s क्या होता है, विस्थापन, डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ u क्या हो गया, ज़ीरो, तो इसका मतलब v स्क्वायर इज इक्वल्स टू कितना हो गया, 2as के बराबर। ठीक है, तो ये हमारा क्या आ गया, v स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2as, या a यहाँ से कितना आ जाएगा, v स्क्वायर अपॉन 2s, ये आ गया। आपको पता है बल कितना होता है, m इंटू a, यहाँ पर इस a की वैल्यू को ये अगर रखते हैं तो ये हो जाएगा एम वी स्क्वायर अपॉन 2 इंटू एस। ठीक है, अब अगर फोर्स इतनी है तो वर्क आप कैसे निकालोगे, यहाँ पर अगर हम देखें फोर्स इस डायरेक्शन में अप्लाई हो रही है और डिस्प्लेसमेंट भी इसी डायरेक्शन में हो रहा है, तो वर्क क्या होता है, एफ डॉट एस, यानी कि एफ एस कॉस थीटा, क्योंकि यहाँ थीटा की वैल्यू कितनी है, ज़ीरो, तो आप वर्क क्या लिख सकते हो, एफ इंटू एस लिख सकते हैं, यानी कि ये हो गया F इंटू एस, या इसको लिखेंगे एम वी स्क्वायर अपॉन 2s इंटू एस, एस से एस कैंसिल हो जाएगा यहाँ पर, तो ये जो वर्क हो गया ये आपका आ गया हाफ एम वी स्क्वायर। और किसी भी बॉडी जो मूव कर रही है, मूविंग बॉडी में जो वर्क होगा वो किसके फॉर्म में स्टोर हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में। यानी कि यही आपकी क्वांटिटेटिवली, अगर हम किसी भी बॉडी की गतिज ऊर्जा निकालना चाहते हैं, काइनेटिक एनर्जी निकालना चाहते हैं, तो वो बराबर हो जाती है हाफ एम वी स्क्वायर के, जहाँ पर m क्या है, उस बॉडी का मास, द्रव्यमान, और v क्या है, उस बॉडी की वेलोसिटी। ठीक है,
अब काइनेटिक एनर्जी जब हम पढ़ते हैं तो कुछ पॉइंट्स हमें ध्यान में रखने पड़ेंगे। देखिए, काइनेटिक एनर्जी बढ़ भी सकती है, घट भी सकती है और कांस्टेंट भी रह सकती है, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू इंक्रीज भी हो सकती है, डिक्रीज भी हो सकती है और कांस्टेंट भी हो सकती है, नियत भी हो सकती है। डिपेंड करेगा वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है, डिक्रीज हो रही है या कांस्टेंट है। जैसे कि अगर आपकी फोर्स, जो आप नेट फोर्स अप्लाई हो रही है वहाँ मोशन में, वो ज़ीरो है, ठीक है, तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा? ज़ीरो। और अगर एक्सेलरेशन ज़ीरो है तो आपको पता है ए इज इक्वल्स टू क्या होता है? डी वी ओवर डी टी, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। अगर ये ज़ीरो है तो ये क्या हो जाएगा? ज़ीरो। या आप कह सकते हो डी वी इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? ज़ीरो। यानी कि डी वी क्या है? चेंज इन वेलोसिटी। इसका मतलब वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं है। तो इस कंडीशन में जो काइनेटिक एनर्जी होगी, क्योंकि वो वी पे डिपेंड कर रही है यहाँ, तो वो भी क्या हो जाएगी? कांस्टेंट हो जाएगी। यानी कि उसकी वैल्यू जो होगी मोशन में कांस्टेंट ही रहेगी, चेंज नहीं होगी। ऑलवेज पॉजिटिव, यानी कि इसकी वैल्यू नेगेटिव नहीं हो सकती है, हमेशा क्या होगी? पॉजिटिव होगी। अगर आप के से काइनेटिक एनर्जी को रिप्रेजेंट कर रहे हो तो इसकी वैल्यू या तो ज़ीरो के बराबर होगी, ठीक है, या फिर इससे ज़्यादा होगी, इससे कम नहीं हो सकती है, यानी कि नेगेटिव नहीं हो सकती है, ठीक है। डिपेंड्स अपॉन फ्रेम ऑफ रेफरेंस। फ्रेम ऑफ रेफरेंस आपको बताया था कि हम क्या फ्रेम लेके किसी भी मोशन को या किसी फिनोमेना को स्टडी कर रहे हैं, तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे ये डिपेंड करती है। फॉर एग्जांपल, एक सिंपल सा लेके बताते हैं। मान लीजिए एक ट्रेन है, मूव कर रही है, उसमें अंदर पैसेंजर बैठे हुए हैं, ठीक है, वो बैठे हुए हैं ट्रेन के अंदर, मान लीजिए मूव नहीं कर रहे हैं, तो वो आपस में क्या है? रेस्ट में है। अगर हम ट्रेन में ही अपना फ्रेम बना लें तो हमें, हम क्या कहेंगे कि सब लोग रेस्ट में बैठे हुए हैं, है ना, कोई मूव नहीं कर रहा है। लेकिन एक पर्सन जो ट्रेन को बाहर से देख रहा है, क्योंकि उसके लिए ट्रेन भी मूव कर रही है, तो सारे जो पैसेंजर उसमें बैठे हैं वो भी उसमें मूव कर रहे हैं, तो वहाँ पर क्या हो गया? फ्रेम चेंज हो गया, ठीक है। तो ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस में पे डिपेंड करता है, क्योंकि अंदर वाला क्या बोलेगा कि काइनेटिक एनर्जी सबकी ज़ीरो है, सब क्या है? रेस्ट में है, बैठे हुए हैं, वेलोसिटी नहीं है। लेकिन बाहर से जो ऑब्जर्व कर रहा है, क्योंकि वो वेलोसिटी, जो भी ट्रेन की वेलोसिटी होगी, उस वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं, तो वो क्या कहेगा कि बॉडी किस में है? ये मोशन में है। तो ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे डिपेंड करता है कि जो भी हमारी ऑब्जर्वेशन है वो हम कहाँ से ऑब्जर्व कर रहे हैं। क्लियर? अगर कोई बॉडी मोशन में है, ठीक है ना, अगर कोई भी बॉडी मोशन में है तो उसकी वेलोसिटी होगी, और वेलोसिटी है तो उसके अंदर मोमेंटम संवेग भी होगा। आपने पढ़ा था लीनियर मोमेंटम पी, इसकी वैल्यू क्या है? अगर बॉडी की का मास एम और वेलोसिटी वी है तो पी की वैल्यू होती है एम इंटू वी, ठीक है। अभी आपने देखा काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू आई है हाफ एम वी स्क्वायर। अगर हम इसको मास से डिवाइड और मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमारी वैल्यू एज इट इज रहेगी। तो ऊपर हम क्या लिख सकते हैं? हाफ एम स्क्वायर वी स्क्वायर अपॉन एम, और एम वी क्या है आपका? पी। तो ये हो गया आपका पी स्क्वायर अपॉन टू एम। यानी कि काइनेटिक एनर्जी और लीनियर मोमेंटम में क्या रिलेशन होती है? काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू पी स्क्वायर अपॉन टू एम। क्लियर? नेक्स्ट है आपकी पोटेंशियल एनर्जी, स्थितिज ऊर्जा, ठीक है। ये किसकी वजह से है? क्योंकि आपको नाम से क्लियर है, ये किसकी वजह से होती है? किसी भी बॉडी की पोजीशन की वजह से या उसके कन्फिग्रेशन की वजह से। कन्फिग्रेशन का मतलब है यहाँ पे अरेंजमेंट। मान लीजिए कोई सिस्टम है बॉडीज़ का, उसमें जो बॉडीज़ हैं वो आपस में किस तरह से अरेंज हैं, कितनी दूरी पर है, अगर इसकी वजह से कोई एनर्जी आती है, यानी कि पोजीशन हो गई, तो उनकी पोजीशन की वजह से जो एनर्जी बॉडी के अंदर स्टोर होती है उसको हम क्या कहते हैं? पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। जो इम्पॉर्टेंट टाइप की पोटेंशियल एनर्जी हम यहाँ पर पढ़ते हैं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइप ऑफ पोटेंशियल एनर्जी आर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, जो गुरुत्वाकर्षण की वजह से होती है, और इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, जो कि इलास्टिसिटी की वजह से होती है, ठीक है। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का एग्जाम्पल क्या हो गया? अगर हम क्या करते हैं, मान लीजिए अर्थ का ग्रेविटेशनल पोटेंशियल हम यहाँ कंसिडर कर रहे हैं, उसका गुरुत्वाकर्षण देख रहे हैं, तो अर्थ के सरफेस से अगर हम किसी भी बॉडी को किसी हाइट पर रखते हैं तो उस पर क्या लगता है? गुरुत्वाकर्षण की वजह से नीचे की तरफ एक बल लगता है, ठीक है।
तो उसकी पोजीशन की वजह से वहाँ पर क्या होगा, एक एनर्जी स्टोर हो जाएगी, उसको हम क्या कहेंगे, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं, ठीक है। इसी तरह से अगर हम कोई स्प्रिंग लेते हैं, आपने देखा होगा स्प्रिंग को अगर हम कंप्रेस करें, दबाएं, तो उसमें क्या होता है, छोड़ते ही वो वापस अपनी पोजीशन पे आने की कोशिश करती है। तो इसका मतलब जब हमने उसका कंप्रेस किया तो उसके मॉलिक्यूल्स का जो कॉन्फ़िगरेशन है वो चेंज हो गया, ठीक है, वो पास हो गए, और जैसे ही आप उसको छोड़ेंगे तो वो वापस अपनी पोजीशन में आएगी। दैट मीन्स जिस वक्त आपने कंप्रेस किया था उस वक्त वहाँ पर एक एनर्जी स्टोर हो गई थी, जो क्या थी, हमारी पोटेंशियल एनर्जी, उनकी पोजीशंस की वजह से। या उसको एक्सपेंड करते हैं, खींच के बड़ा कर दें, तब भी क्या होगा, छोड़ने पे वो अपनी पोजीशन वापस लेगी, तो यानी कि खींचने पर भी क्या हुआ, उन पे एक एनर्जी स्टोर हो गई उनकी पोजीशन की वजह से, जिसको हम क्या कहते हैं, पोटेंशियल एनर्जी, यानी कि पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में वहाँ पर एनर्जी स्टोर हो रही है। आपने कुछ टॉयज देखे होंगे जिसमें चाबी भरते हैं, और जब वो चाबी को आप छोड़ोगे तो वो उल्टा मूव करने लगती है, और जो टॉय है उसका, मान लीजिए कार है, तो कार मूव करने लगेगी आगे की तरफ। तो जब आप स्प्रिंग को वाउंड कर रहे हैं वहाँ पर, तो उसमें क्या हो रहा है, कंप्रेशन होगा, तो पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो जाएगी, और जैसे ही आप उसको रिलीज़ करोगे तो वो पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में चेंज हो जाती है, क्योंकि स्प्रिंग क्या होती है, वापस एक्सपेंड होने लगती है। तो वो सारी एनर्जीज जो इसमें स्टोर हो रही है पोजीशन की वजह से, जो स्टोर हो रही है, उसको हम क्या कहते हैं, पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। क्लियर? देखिए, पोटेंशियल एनर्जी को अलग अलग कंडीशन में अलग अलग तरह से डिराइव किया जाता है। तो बेसिकली अगर हम किसी बॉडी पे फोर्स F लगाते हैं और उसका डिस्प्लेसमेंट S हो रहा है, और उस डिस्प्लेसमेंट की वजह से जो भी उसकी पोजीशन आती है वहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में एनर्जी स्टोर हो रही है, ठीक है। तो इसमें जो वर्क होगा वो आप कैसे दे सकते हो, F इंटू S। तो यही वर्क अगर आपका पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो रहा है तो ये किसके बराबर हो जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी के बराबर हो जाएगा। यानी कि यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी जिसको हम U से रिप्रेजेंट कर देते हैं वो किसके बराबर हो जाएगी, F इंटू S के बराबर। इसमें अगर हम सिंपल एक एग्जांपल लेते हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का, ठीक है, पृथ्वी का ही हम लेते हैं यहाँ एग्जांपल। मान लीजिए अर्थ का सरफेस है, और इस सरफेस से हम क्या करते हैं, किसी भी बॉडी जिसका मास m है उसको h हाइट ऊपर ले जाते हैं, तो डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, h, ठीक है। इसमें जो फोर्स लगानी पड़ेगी वो किसके बराबर होगी, एम जी के बराबर होगी, इसके वेट के बराबर होगी। यानी कि यहाँ पर जो बल लग रहा है F, वो क्या हो गया, एम जी, और जो आपका डिस्प्लेसमेंट S है वो कितना हो गया, H। तो पोटेंशियल एनर्जी यहाँ कितनी हो जाएगी, एम जी इंटू एच, या कह सकते हो एम जी एच के बराबर हो जाएगी। इस बॉडी पे अगर ये H हाइट पर है अर्थ के सरफेस से, तो जो पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पर स्टोर होगी वो कितने बराबर हो जाएगी, एम जी एच के, जहाँ पर m क्या है उसका मास, g क्या है गुरुत्वीय त्वरण एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और h क्या है हाइट, जिस हाइट पर आपने उसको रखा हुआ है। क्लियर? देखिए, पोटेंशियल एनर्जी जब हम पढ़ेंगे तो हमें क्या मेन पॉइंट्स ध्यान में रखने हैं, कि जो पोटेंशियल एनर्जी होती है वो सिर्फ हम कहाँ अप्लाई करते हैं, जो फॉर्मूला हम निकाल रहे हैं कंजर्वेटिव फोर्सेस के लिए। कंजर्वेटिव फोर्सेस का मतलब संरक्षी बल जो था वो क्या था, ऐसे बल जिनके द्वारा जो किया हुआ कार्य होता है वो पथ पर निर्भर नहीं करता, सिर्फ प्रारंभिक और अंतिम जो स्थिति होती है उसी पर डिपेंड करता है। कंजर्वेटिव फोर्सेस क्या थी, जिनके थ्रू किया हुआ वर्क डन सिर्फ पोजीशंस पे डिपेंड करेगा, इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे, और पाथ पे डिपेंड नहीं करता है। तो उनके लिए हम यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। फ्रेम ऑफ रेफरेंस पर ये भी डिपेंड करती है कि आप कहाँ पे ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं, जो आपका फ्रेम है। नेक्स्ट, पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है, डिपेंड करेगा कि जो कार्य हो रहा है, जो वर्क हो रहा है वो बाय द फोर्स हो रहा है, या आपको फोर्स के अगेंस्ट कार्य करना पड़ रहा है, उसके अपोज में कार्य करना पड़ रहा है, ठीक है। अगर कोई बॉडी मोशन में है तो उसमें काइनेटिक एनर्जी तो होगी, लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है कि पोटेंशियल एनर्जी नहीं होगी। पोटेंशियल एनर्जी किसी, कोई भी बॉडी अगर मोशन में होती है तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। जैसे कि एक एग्जाम्पल लें, सिंपल पेंडुलम जो होता है, यहाँ हमने क्या करा, एक धागे से बॉब टांगते हैं उसमें, और उसको हम क्या करते हैं, एक कॉर्नर में ले जाके अगर हम उसको छोड़ेंगे
तो वहाँ ऑसिलेशंस स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। ये बॉब मीन पोजीशन यानी कि सबसे नीचे आएगी, फिर यहाँ से दूसरी डायरेक्शन में ऊपर जाएगी, तो यहाँ पर क्या होता है, इस पॉइंट पर पोटेंशियल एनर्जी होती है, ठीक है। अब ये जब मूव करेगी तो यहाँ भी पोटेंशियल एनर्जी होगी और इस टाइम पर ये मोशन में भी होगी, यानी कि इस पॉइंट पर मोशन में है, काइनेटिक एनर्जी भी है और पोटेंशियल एनर्जी भी है। तो अगर कोई भी बॉडी मोशन में होगी तो उसकी काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी दोनों हो सकती हैं। ऐसा नहीं है कि पोटेंशियल एनर्जी तभी होगी जब बॉडी रेस्ट में होगी। क्लियर? नेक्स्ट टॉपिक इसमें आता है वर्क एनर्जी थ्योरम। वर्क एनर्जी थ्योरम जैसे नाम से आपको क्लियर है, वर्क एंड एनर्जी, ये क्या कहते हैं कि किसी भी पार्टिकल पे जब रिजल्टेंट फोर्स के थ्रू कोई काम होगा, वर्क होगा, कार्य होगा, तो वो वर्क जो होगा उस पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी के चेंज के बराबर होगा, ठीक है। अगर मान लीजिए हम एक मोशन कंसिडर करते हैं, ये कोई ब्लॉक है, इस ब्लॉक को हम किसी पर्टिकुलर टाइम में एस डिस्प्लेस कर देते हैं। डिस्प्लेसमेंट कितना है, विस्थापन एस है। यहाँ पर जो रिजल्टिंग फोर्स एक्ट कर रही है वो कितनी है, एफ। इस ब्लॉक का मास है एम। इनिशियली इसकी वेलोसिटी मान लीजिए हमें दी हुई थी यू, और फाइनल वेलोसिटी इसमें क्या हो गई, वी हो गई, ठीक है। तो यहाँ पर हम वर्क डन अगर निकालना चाहें, उसके लिए हमने ये मान लिया कोई भी एक स्मॉल डिस्प्लेसमेंट हम कंसिडर कर लेते हैं। इस पाथ पे हमने ये मान लिया ये जो डिस्प्लेसमेंट है वो डी एस है, और इस डी एस डिस्प्लेसमेंट को करने में जो वर्क करना पड़ा हमें वो हमने मान लिया कितना है, डी डब्ल्यू, जहाँ पर टोटल वर्क हम W लेके चल रहे हैं, ठीक है। यानी कि इस ब्लॉक को DS डिस्प्लेस करने में अगर F फोर्स लग रही है तो यहाँ पर वर्क डन हमारा कितना आ रहा है, DW आ रहा है। तो आप DW को क्या लिख सकते हो, F.DS लिख सकते हो। अब क्योंकि हम क्या ले रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट और जो फोर्स अप्लाई कर रहे हैं वो एक ही डायरेक्शन में है, तो इसका मतलब दोनों के बीच का एंगल क्या हो जाएगा, ज़ीरो। अब डॉट प्रोडक्ट आप कैसे लिखते हो, एफ डी एस कॉस थीटा, कॉस थीटा की वैल्यू है कॉस ज़ीरो, यानी कि ये इक्वल हो गया एफ इंटू डी एस के, ठीक है। अब आपको पता है एफ की वैल्यू क्या होती है, एम इंटू ए, ठीक है। तो डी डब्ल्यू इज इक्वल्स टू हो गया आपका एम इंटू ए इंटू डी एस, ठीक है। और ए की वैल्यू आपको पता है कितनी होती है, ए इज इक्वल्स टू डी वी ओवर dt, ठीक है। तो इसको आप क्या लिख सकते हो, dw m dv over dt into ds, या m ds over dt into dv ये भी लिख सकते हैं। ds over dt क्या होता है, v velocity, तो ये आपका आ गया m v dv, यानी कि डी डब्ल्यू वर्क करने की जो वैल्यू होगी वो कितनी आ जाएगी, एम वी डी वी आ जाएगी, ठीक है। अब अगर हम इसको इंटीग्रेट कर दें दोनों तरफ तो हमें टोटल वर्क मिल जाएगा इस मोशन का, दैट मीन्स डी डब्ल्यू इंटीग्रेशन, मान लीजिए ज़ीरो से डब्ल्यू वर्क किया, डब्ल्यू हमारा टोटल वर्क हो गया यहाँ पर, इज इक्वल्स टू एम कॉन्स्टेंट है, इनिशियल वेलोसिटी कितनी है यू, और फाइनल कितनी है आपकी वी, तो लिमिट्स हमारी हो गई यू से वी तक, इंटू वी डी वी। वी का इंटीग्रेशन, एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, एक्स स्क्वायर अपॉन टू, तो ये हो जाएगा एम वी स्क्वायर अपॉन टू यू टू वी। इसको अगर हम खोलेंगे, पहले ये वाली लिमिट रखेंगे, ठीक है, फिर ये वाली लिमिट रखेंगे, यानी कि ये हो गया एम वी स्क्वायर अपॉन टू माइनस यू स्क्वायर अपॉन टू। इसको अगर अलग करें तो हमें मिल जाएगा हाफ एम वी स्क्वायर माइनस हाफ एम यू स्क्वायर, ठीक है। हाफ एम वी स्क्वायर क्या हो गई, यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी यानी कि फाइनल काइनेटिक एनर्जी, और हाफ एम यू स्क्वायर क्या हो गया, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। इसका मतलब यहाँ पर आपको क्या मिल जाएगा, जब लिमिट रखेंगे तो W टोटल वर्क, ये किसके बराबर हो गया, काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल के बराबर आ गया। तो यहाँ से आपका प्रूव हो गया है कि कोई भी रिजल्टिंग फोर्स के थ्रू किसी बॉडी पे जो भी वर्क होता है वो उसकी काइनेटिक एनर्जी के डिफरेंस के बराबर हो
होता है। ये क्या है? आपकी वर्क एनर्जी थ्योरम है। ठीक है, यहाँ पर एक कंडीशन ये है कि जो हम ये थ्योरम ले रहे हैं, ये मान के ले रहे हैं कि जो वर्क डन हम कर रहे हैं वो पूरी तरह से किस में कन्वर्ट हो रहा है? काइनेटिक एनर्जी में। लेकिन ये भी हो सकता है कि वो काइनेटिक एनर्जी के साथ साथ पोटेंशियल एनर्जी में भी कन्वर्ट हो। तो यहाँ कंडीशन क्या है कि जो भी वर्क हम ले रहे हैं वो किस में मोशन दे रहा है, यानी कि वो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है। क्लियर? अच्छा, एक पॉइंट इसमें ये है, देखिए वर्क इज इक्वल्स टू क्या आया, फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। तो यहाँ से क्लियर है, अगर आपकी काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज कर रही है तो फाइनल की वैल्यू कम हो जाएगी और इनिशियल की ज़्यादा होगी। ठीक है, तो ये नेगेटिव आएगा, तो उस कंडीशन में वर्क डन क्या हो जाएगा? नेगेटिव। और अगर आपकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी इनिशियल काइनेटिक एनर्जी से ज़्यादा होगी, तो ये वैल्यू क्या आएगी? पॉजिटिव। तो उस कंडीशन में वर्क डन क्या हो जाएगा आपका? पॉजिटिव। और ये हर तरह के फोर्सेस के लिए एप्लीकेबल है जो वर्क एनर्जी थ्योरम है, कंजर्वेटिव फोर्स के लिए भी, संरक्षी बल के लिए भी, और नॉन कंजर्वेटिव फोर्स असंरक्षी बल के लिए भी एप्लीकेबल है। काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, और उसके बाद आता है मैकेनिकल एनर्जी। मैकेनिकल एनर्जी को सिंपल वर्ड्स में अगर आप कहें कि किसी भी बॉडी की जो टोटल एनर्जी होती है उसको हम क्या कहते हैं? मैकेनिकल एनर्जी कहते हैं। अब बॉडी के अंदर पोटेंशियल एनर्जी हो सकती है, काइनेटिक एनर्जी हो सकती है, इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का जो सम होता है वो हमें उसकी टोटल एनर्जी देगा, वही किसके बराबर होता है? मैकेनिकल एनर्जी के बराबर। यानी कि अगर हम उसकी मैकेनिकल एनर्जी ई कह रहे हैं तो ये बराबर होगा आपका काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी के सम के। ठीक है, अब ये क्योंकि आपने देखा के किस पे डिपेंड कर रहा था? फ्रेम पे, किस फ्रेम से आप ले रहे हो, और यू भी किस पे डिपेंड कर रहा था? फ्रेम ऑफ रिफरेंस पे डिपेंड कर रहा था। तो टोटल एनर्जी भी किस पे डिपेंड करेगी? फ्रेम ऑफ रिफरेंस पे डिपेंड करेगी। ठीक है, अगर यू ज़ीरो हो जाए यहाँ पर, यानी कि अगर बॉडी के अंदर सिर्फ काइनेटिक एनर्जी या पोटेंशियल एनर्जी नहीं है तो टोटल एनर्जी जो होगी वो उसकी काइनेटिक एनर्जी के बराबर हो जाएगी। ठीक है, अगर उसकी काइनेटिक एनर्जी ज़ीरो हो जाए तो इस कंडीशन में टोटल एनर्जी उसके पोटेंशियल एनर्जी के बराबर हो जाएगी। अगर दोनों ही एनर्जी ज़ीरो हैं, यानी कि काइनेटिक एनर्जी भी नहीं है और पोटेंशियल एनर्जी भी नहीं है, तो इस कंडीशन में आपकी टोटल एनर्जी भी क्या हो जाएगी? ज़ीरो हो जाएगी। दूसरी कंडीशन क्या है टोटल एनर्जी ज़ीरो होने की? अगर काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी की जो वैल्यू है वो एक दूसरे के इक्वल और अपोजिट, एक तरह से कह सकते हैं, यानी कि जितनी काइनेटिक एनर्जी हो उतनी ही पोटेंशियल एनर्जी हो जाए लेकिन माइनस में, ठीक है, तो उस कंडीशन में भी टोटल एनर्जी क्या हो जाएगी? इसकी ज़ीरो हो जाएगी। ठीक है, सेकेंड इस इक्वेशन से अगर आप देखो तो आप E माइनस यू को क्या लिख सकते हो? K, ठीक है। और आपने क्या कहा था कि K की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होती है, यानी कि K की वैल्यू क्या होगी? इक्वल और ग्रेटर देन ज़ीरो, या तो ज़ीरो के बराबर होगी या फिर ज़ीरो से बड़ी होगी। तो यहाँ K की जगह अगर आप E माइनस यू रखते हैं तो इसकी वैल्यू भी क्या होगी? हमेशा ज़ीरो के बराबर या उससे बड़ी, यानी कि पॉजिटिव होगी। या यहाँ आप क्या कह सकते हो? E is equal और greater than U, ये कह सकते हैं। दैट मीन्स जो टोटल एनर्जी या मैकेनिकल एनर्जी होती है किसी भी बॉडी की, या तो वो पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होगी या फिर उससे ज़्यादा होगी, उससे कम नहीं हो सकती है। क्लियर? प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ टोटल एनर्जी या मैकेनिकल एनर्जी क्या कहता है? ये कहता है कि अगर कोई आइसोलेटेड सिस्टम है तो उसकी जो टोटल एनर्जी होती है, यानी कि मैकेनिकल एनर्जी होती है, वो हमेशा कांस्टेंट रहती है, नियत रहती है। या ये कह सकते हो अगर किसी बॉडी पे जो फोर्सेस एक्ट कर रही हैं वो संरक्षी हैं, कंजर्वेटिव फोर्सेस हैं, तो उसका जो मैकेनिकल एनर्जी होगी, उसकी जो टोटल एनर्जी होगी, वो हर टाइम पे क्या रहेगी? कांस्टेंट रहेगी। जैसे कि आपको पता है कि ग्रेविटेशनल फोर्स जो होती है, गुरुत्वाकर्षण बल जो होता है, वो क्या है? संरक्षी बल है, ठीक है, कंजर्वेटिव फोर्स है। तो अगर हम उसका एक एग्जांपल लेते हैं, मान लीजिए हमारे पास कोई भी एक बॉडी है जिसका मास m है, इसको h हाइट पे हमने रखा हुआ है इनिशियली, ठीक है, रेस्ट में है, उसके बाद उसको ड्रॉप कर देते हैं बिना कोई फोर्स लगाए, तो वो h हाइट नीचे आएगा ग्राउंड की तरफ,
या हमने रेंडमली तीन पॉइंट कंसिडर कर लिए हैं, एक जो सबसे ऊपर है ए और एक जो सबसे नीचे है सी और एक बीच में कहीं हमने मान लिया है बी। ये बी जो है वो ए से एक्स डेप्थ पर है, यानी कि एक्स नीचे जब आओगे आप एक्स डिस्टेंस तो आपका बी पॉइंट आ जाएगा, ठीक है। अगर ये संरक्षी बल है तो हर पॉइंट पर जो इसकी मैकेनिकल एनर्जी यानी कि काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी उसका सम बराबर आना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए। यही क्या कहता है हमारा प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। तो सबसे पहले हम देखते हैं एट पॉइंट ए, ए पॉइंट पर अगर हम देखें अभी बॉडी रेस्ट में है तो इसकी वेलोसिटी यहाँ पर कितनी है, ज़ीरो। और अगर वेलोसिटी ज़ीरो है तो काइनेटिक एनर्जी होती है हाफ एम वी स्क्वायर, तो ये भी क्या हो गई आपकी, ज़ीरो हो गई, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी जो यहाँ पर होगी मान लीजिए यू, वो किसके बराबर हो जाएगी, एम जी जो बल है इसका, और एच क्या है हाइट, तो एम जी एच के बराबर। तो इस कंडीशन में आपकी जो टोटल एनर्जी है यानी कि ई इज इक्वल्स टू के प्लस यू इज इक्वल्स टू हो गया ज़ीरो प्लस एम जी एच यानी कि एम जी एच के बराबर। ये हो गई हमारी पहली इक्वेशन, ठीक है। यानी कि ए पॉइंट पर जो टोटल एनर्जी है वो कितनी है, एम जी एच है, ठीक है। अब हम मान लीजिए सी पॉइंट ले लेते हैं पहले, एट पॉइंट सी। यहाँ पर सबसे पहले हमें क्या पता होना चाहिए, सी पॉइंट पर आने पर इसकी वेलोसिटी कितनी थी, ठीक है। यानी कि हमने उसको अगर वी मान लिया तो हमें वी पता होना चाहिए। अब आपने न्यूटन की इक्वेशन पढ़ी है वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू टू ए एस, ठीक है। ए से सी तक आने पर डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, एच, और एक्सेलरेशन कितना होगा, स्मॉल जी, गुरुत्वीय त्वरण, ठीक है, के बराबर। यू आपका यहाँ पर जो वेलोसिटी थी वो ज़ीरो, और सी पॉइंट पर जो वो स्ट्राइक कर रहा है तो वेलोसिटी कितनी है, वी। तो यहाँ पर सारी वैल्यूज अगर आप रखोगे तो वी की वैल्यू आ जाएगी वी स्क्वायर माइनस यू इज़ ज़ीरो और टू जी एच, ये हो गया। यानी कि वी स्क्वायर आपका आ गया टू जी एच के बराबर, क्लियर। अब इस पॉइंट पर हाइट क्या हो गई, ज़ीरो, तो काइनेटिक एनर्जी तो होगी लेकिन पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी, ज़ीरो हो जाएगी, ठीक है। दैट मीन्स यू यहाँ पर एम जी एच के बराबर होता है, एम जी एक्स मान लो, ठीक है। तो एक्स की वैल्यू यहाँ कितनी है, ज़ीरो है, तो ये हो गया यहाँ पर ज़ीरो। और काइनेटिक एनर्जी होती है हाफ एम वी स्क्वायर, वी की वैल्यू कितनी आई है, टू जी एच, तो ये हो जाएगी आपकी हाफ एम इंटू टू जी एच, जहाँ से टू से टू क्या हो जाएगा, कैंसिल, तो ये वैल्यू आ गई आपकी एम जी एच। यानी कि टोटल एनर्जी ई यू प्लस के, यू कितना है ज़ीरो और के कितना है एम जी एच, तो टोटल एनर्जी हो गई आपकी एम जी एच। तो सेम जो ए पर आई थी वही एनर्जी आपको कहाँ मिल रही है, सी पॉइंट पर मिल रही है। ये हो गई आपकी इक्वेशन टू। इसी तरह से हम एक और पॉइंट ले लेते हैं एट पॉइंट बी। फिर से हम न्यूटन की इक्वेशन लगाएंगे यहाँ पर, यहाँ वेलोसिटी ज़ीरो है, बी पॉइंट पर हमने मान ली वेलोसिटी वी वन, और यहाँ डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है, एक्स। तो यहाँ पर इस इक्वेशन को अगर लगाते हो तो वी की जगह वी वन और यू की जगह ज़ीरो, वी वन स्क्वायर माइनस ज़ीरो इज इक्वल्स टू टू जी, और ये क्या हो जाएगा आपका, एक्स के बराबर, ठीक है। तो वी वन स्क्वायर आपका आ गया टू जी एक्स। दैट मीन्स बी पॉइंट पर काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी हाफ एम वी वन स्क्वायर, ठीक है, और वी वन कितना है, हाफ एम टू जी एक्स के बराबर, यानी कि ये आ गया आपका एम जी एक्स, ठीक है। उसके बाद पोटेंशियल एनर्जी अगर आप यहाँ पर निकालना चाहो इस पॉइंट पर, हाइट कितनी रह गई, टोटल हाइट h थी, ये इतना डिस्प्लेसमेंट हो गया, तो हाइट कितनी रह गई, h माइनस एक्स, तो ये हो गया आपका एम जी एच माइनस एक्स, या इसको लिख सकते हो एम जी एच माइनस एम जी एक्स। तो टोटल एनर्जी e k प्लस u कितनी हो जाएगी, एम जी एक्स प्लस प्लस एम जी एच माइनस एम जी एक्स, तो एम जी एक्स यहाँ से कैंसिल, तो टोटल एनर्जी आ गई एम जी एच के बराबर। ये हो गई इक्वेशन थ्री। तो तीनों पॉइंट्स पे आपने देख लिया पोटेंशियल, जो आपकी टोटल एनर्जी है मैकेनिकल एनर्जी वो सेम आ रही है,
तो इसका मतलब कंजर्वेटिव फोर्सेस के थ्रू अगर कुछ कोई मतलब कंजर्वेटिव फोर्सेस अगर किसी बॉडी पे एक्ट कर रही हैं तो वहाँ पर जो उसकी टोटल एनर्जी होगी वो हमेशा कांस्टेंट रहेगी, ठीक है। अब ये तो हो गया आपका काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी। अब जो एनर्जी होती है आपने पढ़ा होगा एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट होती है, उसको हम क्या कहते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी। जैसे कि स्टोव है जो जलते थे पहले केरोसिन ऑयल से, तो उसमें क्या होता था, केमिकल एनर्जी की हेल्प से आप हीट एनर्जी को डेवलप करते थे। बल्ब है आपका, ट्यूबलाइट्स हैं, इलेक्ट्रिक एनर्जी की हेल्प से आप क्या कर रहे हो, को कन्वर्ट कर रहे हो लाइट एनर्जी में, ठीक है। और हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर्स होते हैं, उनमें क्या होती है, मैकेनिकल एनर्जी इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट होती है। तो इस तरह से बहुत अलग अलग तरह की ट्रांसफॉर्मेशन एनर्जी की होती है, यानी कि एक फॉर्म ऑफ एनर्जी को दूसरी फॉर्म ऑफ एनर्जी में आप ट्रांसफॉर्म कर सकते हो अलग अलग तरह से। क्लियर?